गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। सो आज जैसा कि रमज़ान का फर्स्ट जुम्मा है और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी हर नेक दिली ख्वाहिशात को पूरा करें। सो अभी नमाज़ वगैरह पढ़ ली है जुम्मे की और गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा बहुत अच्छा गुजर रहा है, रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा है। पता नहीं लग रहा रमज़ान इतनी जल्दी टाइम गुजर रहा है। आज सातवां रोज़ा है हमारा और पाकिस्तान में आज छठा रोज़ा है। तो ये एक महीना गिनती के दिन होते हैं, ये इतनी जल्दी गुजरेंगे पता ही नहीं लगेगा। बस यही है कि अल्लाह ताला इसमें हमें खूब सारी बात करने की तौफीक दे, नेक अमल करने की तौफीक दे, बुरे काम से बचाए। तो अभी नमाज वगैरह मैंने पढ़, अभी धूप बहुत तेज़ है और यहाँ पे पता क्या सीन है, सुबह अभी जैसे कि गर्मी स्टार्ट हो गई है तो 7 बजे इतने बजे सूरज से ही निकल आता है और फिर पूरा दिन ही उसके बंदा ऐसे बैठ निकल ही नहीं सकता। और अभी ये शाम तक रहेगा ऐसे, गर्मी ऐसे रहेगी, रात को थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है बट दिन में तो सेम यही रहेगा और आगे तो भी बहुत लंबा अरसा पड़ा हुआ है इसका गर्मी का। दुबई में तो सर्दी तो आती नहीं है, 1-2 महीने आएगी बस, उसके अलावा तो गर्मी मिलेगी आपको इधर देखने को। मैं आपको एक सीन बताता हूँ, यहाँ पे ना ये जो है ना तराबिया ये 8 इधर पढ़ाते हैं और जो अरबी लोग हैं अरबियों के सब मस्जिदों में वो 8 ही पढ़ाते हैं और उसके बाद जो वितर वो पढ़ाते हैं 2 अलग करके 1 अलग करके पढ़ाते हैं और दुआ भी वो वितर के अंदर ही दुआ मांगते हैं। तो जिस दिन पहली तराबिया थी उस दिन मैं गया हूँ मस्जिद में पढ़ने, तो 8 तराबिया हुई, उसके बाद ना उन्होंने वो वितर स्टार्ट कर दिए। जैसे उन्होंने वितर स्टार्ट किया तो उन्होंने 2 पढ़ के सलाम फेर दिए, फिर उसके बाद उन्होंने एक अलादा स्टार्ट किया है, उसमें भी उन्होंने वो स्टार्ट किया, उसी में दुआ मांगने लग पड़े। मैं परेशान के ये क्या कर रहे हैं कि मतलब वितर के अंदर ही दुआ मांग रहे हो और तरावीह भी 8 पर आ रहे हैं। तो बाद में मुझे पता लगा कि इधर तो ऐसा सीन होता है। सो जुम्मे के बाद फिर आके थोड़ी रेस्ट वगैरह की है, नमाज वगैरह पढ़ी है सर की और फिर उसके बाद अफ्तारी की तैयारी करने लग पड़ा हूँ और अभी बस थोड़ा ही टाइम रह गया, 5-10 मिनट रह गया अफ्तार का टाइम होने वाला है। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि अफ्तार में क्या क्या बनाया है। सो ये अफ्तार में कोड़े बनाए हैं, इसके अलावा फ्रूट है और शरबत है, बाकी कलेजी बनाई है वो बाद में खाऊंगा। तो ये है मेरी अफ्तार की रूटीन है। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा भी बहुत अच्छा गुजरा है, जैसे कि दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी थी बट फिर भी टाइम तो जल्दी गुजर के पता ही नहीं लगा, रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। सो यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना और मुझे ज़रूर दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।